नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कंपोस्ट के तत्वाधान में मध्य प्रदेश फूड ग्रेन ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के सम्मेलन समारोह में संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ, पदाधिकारीगण एवं सदस्यों द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथिगण दिग्विजय सिंह एवं गोविंद गोयल के समक्ष अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसमें उनके द्वारा मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन एवं मार्केटिंग फेडरेशन संघ में परिवहनकर्ताओं को विगत 2 वर्षों से जमानत राशि व अमानत राशि एवं परिवहन देयकों का संपूर्ण भुगतान नहीं किया गया। उपार्जन वर्ष 2019 से 21 2 वर्ष के लिए आपूर्ति निगम द्वारा टेंडर बुलाए गए थे, जिसमें संगठन के परिवहनकर्ताओं द्वारा अलग अलग सेक्टर हेतु अनुबंध किया गया था एवं उस अनुबंध के अंतर्गत वर्ष 2019 में खरीदे गए गेहूं का परिवहन कार्य भी किया गया, जिसके एवज में समस्त परिवहनकर्ताओं का 25% भुगतान एवं अन्य जमा राशि आज दिनांक तक विभाग द्वारा नहीं दी गई। इसके बावजूद विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार का दबाव मिलने पर SOR पद्धति के टेंडर निकाले गए हैं, जो कि उचित नहीं है। SOR की दरों का निर्धारण अव्यवहारिक रूप से किया गया है, जिसमें कार्य नहीं किया जा सकता। टेंडर की शर्तों को परिवहनकर्ताओं के साथ विचार विमर्श कर व्यवहारिक और वहन करने योग्य किया जा सकता है। जिन गलतियों के लिए परिवहनकर्ता जिम्मेदार नहीं है, दंडित किए जाने हेतु उल्लेखित होना चाहिए। जब हम परिवहनकर्ताओं द्वारा SOR टेंडर में भाग लेने से मना कर दिया, तो प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हमारे व्यापार को खत्म करने का जगह जगह साइलो बैग कैंप लगाने की तैयारी की जा रही है। उक्त समस्या के कारण परिवहनकर्ताओं का व्यापार खत्म होने की कगार पर है। यदि फूड ग्रेन परिवहनकर्ताओं के व्यापार खत्म होगा तो उनसे जुड़े कई नागरिक जैसे ड्राइवर, ऑफिस का स्टाफ एवं लेबर सभी बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही केंद्र सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से बात करेंगे और ट्रांसफर हुई जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। आज एसोसिएशन का सम्मेलन था, क्या दिग्विजय सिंह आए थे, क्या आश्वासन दिया? हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी टेंडर को लेके, मुख्य मुद्दा था पेमेंट और जो हमारी समस्याएं थी, उस समस्याओं को लेके आज का ये मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें माननीय दिग्विजय सिंह जी ने आश्वासन दिया है कि वो सभी अधिकारियों से उच्च स्तर पर बात करेंगे और इसका निराकरण करके एक समन्वय क्रिएट करेंगे, जिससे सरकार को भी ना हानि हो, ना केंद्र सरकार को हानि हो, ना किसान को ज़रा 1% भी प्रॉब्लम हो, ना ट्रांसपोर्टर्स को कोई प्रॉब्लम हो। मेन उन्होंने बड़ा इस जो उलझी हुई गुत्थी थी उसको बहुत सरल करने का आश्वासन दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो है अब हमारी प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी। हमारे कॉम्पिस्ट का ये उद्देश्य है कि जितने भी मध्य प्रदेश के उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए। नियम और कानून को इतना सरल बनाना चाहिए जिससे कि राज्य सरकार को हानि ना हो और उद्योग व्यापारी को भी हानि ना हो। होता यही है कि कई बार ऐसे नियम कानून बन जाते हैं जिससे कि लोगों को पैसा ऐंठने की गुंजाइश हो जाती है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि नियम और कानून इतने सरल बनाए जाना चाहिए ताकि आसानी से लोगों का निराकरण हो सके। उस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव जी, प्रमुख सचिव जी खाद्य विभाग और MD सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन दोनों से, तीनों चारों से बात करेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। समय जगत, एक संदेश पूरा देश।